हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, जो उनका शासनकाल शुरू होता है 1757 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। इस पीरियड में उनकी क्या पॉलिटी थी, कि राज्य व्यवस्था क्या थी। इसके पूर्व में मैं मुगल पॉलिटी, दिल्ली सल्तनत, राजपूत, गुप्ता, मौर्य और मगध और इवन वैदिक पॉलिटी के बारे में हमने विशेष रूप से व्याख्या किया है। आप पूर्व के वीडियो में इन सब टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने आज ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, जो उनका शासनकाल 1757 जब वो पलासी के युद्ध में जीते, सिराजुद्दौला जो वहाँ का नवाब था बंगाल का, उसको हराया, तो एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कंपनी इस लड़ाई के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। तो 1757 से लेके 1858 तक, जब 1857 में विद्रोह हुआ, जिसको कि आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी कहते हैं, तो उसके बाद में पार्लियामेंट ने अर्थात ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में सत्ता ले लिया। माने इंडियन टेरिटरी का, जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी था, उसका सीधा संचालन अब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा होने लगा। इसके पहले इसका संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 100 वर्षों तक हुआ। इस पीरियड के दौरान भी पार्लियामेंट ने विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793, 1813, 1833 और 1853। इन एक्टों के द्वारा कंपनी गवर्नमेंट पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कंपनी का हिंदुस्तान की टेरिटरी पर राइट फ्रॉम 1757 से लगातार उनका शासन रहा। तो अब हम चलते हैं कि उनका, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटी के दो भाग होते हैं, कि एक थ्योरी ऑफ किंगशिप और दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो चूंकि यहाँ पर किंग कोई नहीं है, क्योंकि तो कंपनी जो है वो कॉरपोरेट बॉडी है, एक ट्रेडिंग कंपनी था, तो इसीलिए किंगशिप के बदले में मैंने थ्योरी ऑफ गवर्नेंस लिखा, कि शासन के क्या सिद्धांत थे और उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या था, मतलब क्या क्या, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए, कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जो कंटिन्यूटी में रही, जो मुगल काल में चल रही थी वो भी अंग्रेजों के ज़माने में भी चली। तो इन सब चीज़ों की व्याख्या करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ और आप इसको लाइक करेंगे। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन 100 वर्षों तक रहा, उसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला था फेज ऑफ मर्चेंट कैपिटल और या मर्केंटलिज्म, जिसको कि हिंदी में वाणिज्यवाद बोलेंगे, और दूसरा था द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, जो 1813 से लेकर के 1858 तक चला। इस टॉपिक के बाद में फिर एक और टॉपिक, जो 1858 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है, जिसमें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन अपने हाथ में ले लिया गया था, तो उस पीरियड का भी पॉलिटी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आज हम केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटी के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मर्केंटलिज्म का फेज था, वाणिज्यवाद का। जैसा कि आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में वाणिज्यवाद या मर्केंटलिज्म का जमाना था। इसका इसी प्रिंसिपल के तहत में आप देखेंगे कि महारानी
इंग्लैंड ने एलिजाबेथ ने उन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर उन्होंने जारी किया था और इसी तरह के अफ्रीका में ट्रेडिंग करने के लिए अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में ट्रेडिंग करने के लिए विभिन्न कंपनियां इंग्लैंड के गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में बनाई गई और उन्हें चार्टर दिया गया और उन क्षेत्रों पर मोनोपोली माने एकाधिकार करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली चार्टर दिया गया था वो ईस्ट में मतलब पूरब में व्यापार करने के लिए दिया गया था सन 1600 ईस्वी में। इसी तरह से फ्रांस में भी कंपनी बना, डच में कंपनी बना और ये सभी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुआ करते थे और जिनका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो था मर्केंटलिज्म, मतलब बिफोर द अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ये मर्चेंट कैपिटलिज्म जो है इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सर्वमान्य सिद्धांत था। और इसका अर्थ क्या है, तो इस फेज को जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि मर्केंटलिज्म अर्थात वाणिज्यवाद क्या है। चलते हैं सर। जैसा मैंने कहा कि 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यह बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक प्रिंसिपल रहा और इसका जो मेन सिद्धांत था कि एक्सपोर्ट को ज्यादा करो और इंपोर्ट को घटाओ, टू मिनिमाइज इंपोर्ट एंड टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट। और दूसरा था कि जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसको कम करना, मतलब जैसे व्यापार में आप देखेंगे जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो उसको करंट अकाउंट डिफिसिट कहते हैं। मतलब जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए चाइना के साथ में हमारा व्यापार लगभग 75 अरब रुपए का है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो है 15 अरब डॉलर का, तो जो करंट अकाउंट डिफिसिट होगा वो इंडिया के पल्ले में वो हो गया 60 अरब डॉलर, तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट। तो इसी के तहत में मर्केंटलिज्म का जो दूसरा सिद्धांत है वो था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और इंपोर्ट को घटाओ जिससे करंट अकाउंट डिफिसिट जो है उसमें कमी आए। और इसके पीछे एक लॉजिक था कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा, मतलब अगर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे अपने फिनिश्ड गुड को बाहर के देशों में बेचेंगे और कम से कम आयात करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड माने जो ट्रेड का संतुलन है वो उस कंट्री के पक्ष में रहेगा और इससे जो उस कंट्री का या उस देश का जो बुलियन है मतलब जो सोना चांदी ये उसका रिजर्व ज़्यादा बढ़ेगा और इससे देश में संपन्नता आएगी। तो ये इसका बेसिक सिद्धांत था। और हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद में मर्केंटलिज्म का डिक्लाइन हो गया क्योंकि जो इसका जो मूलभूत सिद्धांत था वो था कि आप किसी भी देश में जो वेल्थ होता है वो स्टैटिक रहता है, तो अगर उस देश के वेल्थ को बढ़ाना है तो दूसरे देश को कब्जा करना होगा, वहाँ के संपत्ति को हड़पना होगा, वहाँ के देश को कब्जा करना होगा, उसके रिसोर्सेज पर कब्जा करना होगा। तो इस तरह से ये मर्केंटलिज्म का सिद्धांत चलता था और इसके कारण से इंपीरियलिज्म को, साम्राज्यवाद को या उपनिवेशवाद को या कॉलोनिज्म को बढ़ावा मिला। मर्केंटलिज्म का सिद्धांत कैसे ऑपरेट करता था उसका एक व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं कि 16वीं शताब्दी में अफ्रीका से ये अंग्रेज लोग या फ्रेंच लोग
निग्रो को ले जाते थे कहां पर? अमेरिका या साउथ अमेरिका या वेस्ट इंडीज, इन निग्रों को ले जाने का मुख्य मकसद यह था कि वहां पर खेत में उनसे काम मजदूरी करवाया जाए और जिसे कि चीप लेबर की सहायता से अधिक पैदावार होगा। तो यहां पर जो स्लेव ट्रेड होता था, अफ्रीका से जाता था और इनको जहाजों में भर करके, इनको स्लेव बना करके, गुलाम बना करके निग्रों को, अफ्रीकन्स को ले जाते थे और यहाँ के खेतों में काम कराने के लिए ले जाते थे और मैक्सिमम निग्रोज वहीं बस गए। बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए जाने में। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल पैदा हुआ साउथ अमेरिका में, अमेरिका में या वेस्ट इंडीज में, तो रॉ मटेरियल्स जैसे कि रॉ मटेरियल्स में मान लीजिए व्हीट, कॉटन या रबर या राइस, ये जो रॉ मटेरियल पैदा हुआ या बहुत सारे चीज, उस रॉ मटेरियल को ये यूरोपीय व्यापारी यहाँ लाते थे, अपने कंट्री में लाते थे, मतलब यहाँ यूरोप में लाते थे, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश आते हैं, स्पेन, पुर्तगाल, और इस रॉ मटेरियल को यहाँ ये इसको मैन्युफैक्चर करते थे, जब कॉटन है कपड़े बनाते थे, और इस मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर गुड्स को या बने हुए सामान को ला करके वो अफ्रीका में और दूसरे दूसरे कंट्री में बेचते थे। तो इनसे इन्हें काफी आमदनी होती थी, इंडिया में भी बेचते थे। इस तरह से उन्होंने जो है एक सर्कल बनाया था और इसके तहत में यूरोप सबसे ज्यादा जो फायदा होता था वो यूरोपियन कंट्री को। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में, जैसे मैंने बताया तो उस समय में पूर्व के लेक्चर में बताया था कि 1600 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का जो जीडीपी था वो था 22% ऑफ द वर्ल्ड 1600 में, और 1700 में, 1700 एडी में 24%। ये मुगल साम्राज्य का जीडीपी था, जो एक चौथाई जीडीपी था, जो विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी था, इवन चाइना से ज्यादा था। अब इस 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी, इवन 18वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप सबसे ज्यादा रिच कॉन्टिनेंट हो गया, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ और उनका एक छत्र राज हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मर्केंटलिज्म ने बहुत ज्यादा प्रभाव विश्व राजनीति पर छोड़ा। इसके कारण बहुत बार युद्ध हुए, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री, एशिया के कंट्री गुलाम हो गए, इंपीरियलिज्म के शिकार हो गए। ये सब इसकी खामियां थी। आज की तारीख में भी मर्केंटलिज्म मजबूत देशों में प्रभावशील है। वो कैसे? हालांकि WTO के बनने से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से
कोई भी देश मनमानी नहीं कर सकता है और अनाप शनाप टैरिफ नहीं लगा सकता है, लेकिन फिर भी जो बहुत ताकतवर देश हैं वो पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन हस्तक्षेप की नीति के तहत में वो अपने पड़ोसियों के सामानों पर, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है और उसे एक्सपोर्ट करना है और इसे उसे फॉरेन करेंसी प्राप्त होता है, लेकिन जो चावल आयातक कंट्री है माने इंपोर्टिंग कंट्री है उसने जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि उसका चावल बिकेगा ही नहीं, माने एक्सपोर्ट नहीं होगा और इस तरह से उस कंट्री का जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी और उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो अब चलिए दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन 1757 ईस्वी से चालू हुआ, और कब हुआ चालू? बैटल ऑफ पलासी। ये कब हुआ था? 1757 में। पलासी एक जगह है जो 30 मील है मुर्शिदाबाद, जो उस समय बंगाल के नवाब का राजधानी था मुर्शिदाबाद, वहां से 30 मील दूर है ये पलासी, और यहीं पर युद्ध हुआ था जून के महीने में, और इसमें नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला जिसको नवाब बने हुए मात्र एक साल हुए थे और मात्र 23-24 साल का ये व्यक्ति था, उतना परिपक्व नहीं था, इसके नाना ग्रैंड फादर अलीवर्दी खान की मृत्यु ५७५६ में हुई थी और इसके बाद में ये नवाब बने थे और ये एक षड्यंत्र के शिकार हो गए और इस षड्यंत्र में इनके सेनापति मिर्जाफर, जिसको कि आज की तारीख में सभी लोग गद्दार कहते हैं, शामिल थे और ये 35,000 कैवेलरी के इंचार्ज थे, ये स्विच ओवर कर गए लॉर्ड क्लाइव की तरफ जो अंग्रेजों का कमांडर इन चीफ था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने मात्र 3100 फोर्स से 3100 फोर्स, जिसमें कि 2100 तो हिंदुस्तानी थे और लगभग 1000 अंग्रेज थे या यूरोपियन आप कह सकते हैं या फॉरेनर्स ब्रिटिशर्स कहिए, इनने मिलकर के लगभग 1.5 लाख फोर्स जो नवाब के पास में था उस समय में बुरी तरह से हारे, और इसका कारण यह रहा कि इन्होंने पहले ही कंस्पिरेसी किया था और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने मिर्जाफर को नवाब बनाने का वादा किया था और जिसके तहत में वहाँ के बहुत सारे व्यापारी ओमी चंद, राय दुर्लभ, जगत सेठ, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र की रचना किया और सही वक्त पर ये जो सभी षड्यंत्रकारी अंग्रेजों से जा मिले और सिराजुद्दौला की हार हो गई, उनको मिर्जाफर के पुत्र मीरा ने हत्या कर दिया। तो
इस तरह से एक छोटे से फोर्स को लेकर के अंग्रेजों ने इतने बड़े सूबा, माने बंगाल का सूबा मुगलों का सबसे बड़ा सूबा था और सबसे ज़्यादा आमदनी के स्रोत देने वाला सूबा था, धन धान्य से पूर्ण था, उसको मात्र 3100 लोगों ने मिलकर के नष्ट नाबूद कर दिया। और इस तरह से 1757 ईस्वी से कंपनी गवर्नमेंट की, माने ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था शुरू होती है। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में तीन चीज मांगा। पहला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनका फ्री ट्रेड, कंपनी का फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड। दूसरा, जमींदारी ऑफ 24 परगना। बंगाल में एक 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जमींदारी जो है ना अंग्रेजों को मिल गया। और मिर्जाफर को जब 1760 में हटाया और उसके बदले में मिर्जाफर के ही दामाद कासिम को, मीर कासिम बोलेंगे, बनाया, तो इन्होंने तीन डिस्ट्रिक्ट और जमींदारी में दिया। वो कौन कौन सा? बर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव। तीन डिस्ट्रिक्ट उन्हें जमींदारी में मिली और इसके अलावा 29 लाख रुपया उन्होंने हरजाना दिया विभिन्न अंग कंपनी के ऑफिशियल्स को। इसके अलावा मिर्जाफर ने ₹1,77,00,000 ₹1,77,00,000 रुपये हरजाने के तौर पर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। क्यों? कि इसके पहले सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक किया था, उसका हरजाना चुकाया गया। तो इस तरह से, और रॉबर्ट क्लाइव खुद गवर्नर हो गया बंगाल का। इसके बाद यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों के द्वारा लूट खसोट चलता रहा और वो 1765 तक चला, जिसमें कि आपको जैसे मालूम है कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने कंपनी गवर्नमेंट को, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री ट्रेड करने का अधिकार दिया था और इसके लिए उन्होंने दस्तक भी जारी किए थे। दस्तक मतलब फ्री पासेस, ताकि चुंगी नाका वगैरह पर इन्हें परेशान ना किया जाए, इनके माल के आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं हो। तो ये जो पासेस थे, दस्तक पासेस, इन पासों का गलत गलत इस्तेमाल कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किया गया और इसी कारण से ये जो फैक्टर था, ये ही सबसे बड़ा फैक्टर था जिसके कारण से बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा इसी मुद्दे को लेकर होता था। क्योंकि नवाब, बंगाल के नवाब का ये कहना था कि ये सही है कि फर्रुख सियार ने आपको फ्री ट्रेड करने का लाइसेंस दिया है,
लेकिन आपको पासेज भी दिया है, लेकिन आपके कर्मचारियों को नहीं दिया है कि कोई कर्मचारी अपना प्राइवेट ट्रेड कर सके, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का खुलेआम दुरुपयोग करते थे और प्राइवेट व्यापार करते थे। इससे नवाब को बहुत घाटा उठाना पड़ता था, और इसी कारण से दोनों में हमेशा अनबन होता था। अब चलते हैं कि 1757 में पलासी युद्ध में नवाब के हारने के बाद में कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा, वहां के अधिकारियों के द्वारा खुलेआम लूट किया गया, और जिसका परिणाम यह रहा कि पूरा बंगाल आर्थिक रूप से चरमरा गया। इसके बाद में 1765 से लेके 1772 तक ड्यूअल गवर्नमेंट रहा। और दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि पलासी में युद्ध होने के बाद में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें मीर कासिम सुजा और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ये तीनों की फोर्स सुराग बंगाल का नवाब था, और शाह आलम जो फ्यूजिटिव हो गया था, भगोड़ा हो गया था और लखनऊ में रह रहा था, इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर के बक्सर में अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चाबंदी किया। लेकिन अंग्रेज सेनापति मुनरो ने इनके सम्मिलित फोर्स को हरा दिया, और जिसके कारण 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया। इसके तहत में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में साइन हुआ था, इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसने कंपनी गवर्नमेंट को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट दे दिया, माने रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार कंपनी के पास पहुंच गया। और यह अधिकार किसने दिया? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने। इसके बदले में मुगल बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद और करा, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट उसके, दोनों डिस्ट्रिक्ट उन्हें दिया गया। और इसके अतिरिक्त 26 लाख रुपए पेंशन भी अंग्रेजों ने, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया मुगल बादशाह शाह आलम, जो कि एक खुद फ्यूजिटी था, भगोड़ा था, दिल्ली से भाग गया था मराठाओं के ताकत के भय से। तो इस कारण से यह समझौता मुगल बादशाह के साथ में कंपनी गवर्नमेंट ने किया, और दूसरा समझौता अवध के नवाब के साथ किया, और वो था क्या? फ्री ट्रेड विद इन द
दूसरा पॉइंट था फ्री ट्रेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अवध, और दूसरा पॉइंट था कि कंपनी आर्मी वुड बी केप्ट एट लखनऊ एट द एक्सपेंस ऑफ अवध। इस तरह से इलाहाबाद ट्रीटी के द्वारा एक तीर से दो निशान अंग्रेजों ने किया। पहला उन्होंने शुजाउद्दौला के साथ में ट्रीटी किया और जिसमें उन्होंने अवध को अपने सिकंजे में ले लिया, वहाँ पर अपनी आर्मी को बैठा दिया गया और इस आर्मी का खर्चा अवध के नवाब उठाएंगे। और दूसरा पॉइंट कि फ्री ट्रेड माने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्री ट्रेड अवध के क्षेत्र में की जाएगी, इसका भी अधिकार नवाब ने दे दिया। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो कि एक फ्यूजिटिव था, जो दर्दक भटक रहा था, तो उसके साथ में उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए उनके साथ उन्होंने ट्रीटी किया और इस तरह से बिहार बंगाल उड़ीसा का दीवानी राइट्स, 26 लाख रुपए पेंशन और इलाहाबाद और करा डिस्ट्रिक्ट के को सुपुर्द करके उन्होंने तीनों राज्य के जो बड़े बड़े राज्य थे उसका दीवानी राइट प्राप्त किया। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना किया। यह एक बहुत ही घटिया किस्म का शासन व्यवस्था था और इसने बंगाल को तहस नहस करके रखा। इसकी जो मेन विशेषता थी वो क्या थी? पहला कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अंग्रेजों के पास में पूरी सत्ता थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं था, और इंडियंस के पास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन सत्ता कुछ भी नहीं था। वो कैसे? अब देखें, अंग्रेजों ने मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने दो डिप्टी दीवान नियुक्त किए, डिप्टी दीवान राजा रेजा खान को बंगाल सूबा का रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार दे दिया है और राजा सिताब राय को बंगाल और उड़ीसा का। और निजामत का अधिकार अंग्रेजों ने नवाब के बंगाल से इस तरह से प्राप्त किया कि राजा रेजा खान को निजामत का भी, निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, ये जो अभी तक अधिकार नवाब के पास में होता था वो डिप्टी निजाम किसको बनाया? रेजा खान को बना दिया। और निजामत के मामले में रेजा खान कानून व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, जुडिशरी का मामला देखता था, और रेजा खान को बिना कंपनी के अप्रूवल को बंगाल के नवाब द्वारा हटाया नहीं जा सकता था। तो इस तरह से दोनों अधिकार, दीवानी का और निजामत, दोनों का अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया लेकिन
उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं लिया और इसी को ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और इस तरह से इस ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब द्वैत शासन में बंगाल में लूट खसोट का बाजार गर्म हो गया। अंग्रेज या कंपनी के सर्वेंट्स ऑफिशियल्स जमींदारों से नवाबों से पैसे वसूली करते थे, जगह जगह पर वो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे और इससे काफ़ी उनमें कमाई होती थी और इन पैसों को वो अपने देश इंग्लैंड भेजते थे। इस तरह से हिंदुस्तान की जो अकूत संपत्ति थी वो धीरे धीरे इंग्लैंड चला गया। तो दोस्तों मैंने अभी बैकग्राउंड आपको बताया, अब इसके बाद हम बताएंगे कि जो कंपनी गवर्नमेंट 100 साल तक चला उसके प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस क्या थे इसके बारे में हम बताएंगे।